भिवाड़ी के यूआईटी गेस्ट हाउस में पुलिस महकमे के अनुसंधान अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम की जानकारी देने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बुधवार को ट्रेनिंग के आखिरी दिन मुकदमों के अनुसंधान की रिपोर्ट को कंप्यूटर में फीडिंग के बारे में बताया गया। इसके अलावा कंप्यूटर पर काम करने की जानकारी प्रोजेक्टर के जरिए दी गई। अलवर एसपी ऑफिस से आए डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर इंचार्ज एएसआई विजय सिंह ने तिजारा सर्किल के थानों के स्टाफ को बुलाकर प्रशिक्षण दिया। विजय सिंह ने बताया कि अलवर जिले में 23 मार्च से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करना शुरुआत कर दी गई है, जिसमें पुलिस स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले ट्रेनिंग के लिए थाने के स्टाफ को अलवर मुख्यालय जाना पड़ता था, जिससे थाने के अन्य कामकाज पर असर पड़ता था। अब सर्किल वाइज ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत सरकार का प्रोजेक्ट है सीसीटी ने, आप लोगों ने सुना भी होगा कि ऑनलाइन एफआईआर वगैरह जो है पुलिस के अंदर स्टार्ट हो गई हैं। और हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर 23 फरवरी 2018 से स्टार्ट हो गई थी, और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोटगेट पुलिस स्टेशन है जहाँ फर्स्ट ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हुई थी। अलवर में 23 मार्च से स्टार्ट हो गई हैं। अभी जिले के जो 38 पुलिस स्टेशन हैं उन पर सभी पे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो गई हैं। अभी पुलिस मुख्यालय के डायरेक्शंस हैं कि इन्वेस्टिगेशन भी इस सीसीटीएनएस ऑनलाइन पोर्टल पे हो, तो उसी के एसपी साहब के निर्देशन सर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईओज एसएचओज को बुलाना ताकि कानून व्यवस्था या कोई अन्य ऑफेंस हो जाए पीछे से तो दूर पड़ता है, इसलिए सर्किल हेडक्वार्टर पर ट्रेनिंग रखी गई है 3 दिवसीय प्रोग्राम। तो गाड़ी के अंदर 4 से 6 आज लास्ट डे है। थैंक यू ट्रेनिंग।